हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं एयरपॉड्स प्रो 2 का सेकेंड जनरेशन का अनबॉक्सिंग। और आप देख सकते हैं कि एप्पल का जो भी पैकेजिंग है वो एकदम बढ़िया सा पैकेजिंग होगा, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और जो भी बॉक्स है उसका फील ही अलग प्रीमियम लग रहा है। और मैंने इसको अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, और अमेज़ॉन से ऑर्डर करके एकदम एक ही दिन में आ गया। और इसका अनबॉक्सिंग देखते हैं गाइस। और एप्पल का जो स्पेशलिटी है, जो भी बॉक्स है वो एयर लॉक्ड होता है, सो आप इसको बिना पकड़े नीचे आ जाएगा। सो फेक एयरपॉड्स बहुत है, सो आप ये भी एक फैक्टर रख सकते हैं कि कैसा फाइंड करना है। ऐसा ओपन होना चाहिए, देखिएगा ये पेपर वर्क्स, सभी ऐसा पेपर वर्क्स होगा एज़ यूजुअल एप्पल प्रोडक्ट्स में जो भी मिलता है। कैसे कनेक्ट करना है, कैसे डिटैच करना है, इसका सब मैनुअल में दिया हुआ है, सो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। और मेनली अभी हम आ रहे हैं कि एयरपॉड्स, सो एयरपॉड्स ऐसा होता है, ये मैं 1 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ, और इसलिए तो ये इसमें एक रैप आता है, ऐसा अनरैप नहीं रहता है कि रैप करके आता है और आपको इसको ओपन करना पड़ेगा, सो ऐसा ओपन होता है। इसमें है कि पिछले वाला एयरपॉड्स और इसमें क्या दिक्कत है, इसमें एक टच सेंसिटिव वॉल्यूम बटन दिया है, सो आप ये प्रेशर सेंसिटिव होता है, सो आप ये इसको ऊपर करेंगे तो वो वॉल्यूम ऊपर जाएगा, और इसको नीचे करेंगे तो वॉल्यूम नीचे जाएगा, सो ये इसका लिए काम करता है। और इसमें जो भी है ANC का फीचर, एकदम बढ़िया वाला ANC इसमें है। ये एकदम सोनी के कंपैरिजन में है ये इसका ANC, सो वन ऑफ द बेस्ट ANC इसमें ही है। कनेक्टिविटी सीमलेसली हो जाता है, आपके पास आईफोन या एंड्रॉयड जो भी है आप कनेक्ट इसको इजीली कर सकते हैं। और इसको रखते हैं, और इसमें मेन चीज़ है कि इसमें नॉर्मल जो वायर्ड चार्जर होता है उसका एक केबल दिया होता है, चार्जर इसमें इसके साथ अवेलेबल नहीं है, आप आईफोन का चार्जर यूज़ कर सकते हैं। और ये है ईयर टिप्स, आपके ईयर का साइज़ के अनुसार आप इसको बदल सकते हैं, लार्ज के लिए लार्ज, मीडियम के लिए मीडियम, स्मॉल के लिए स्मॉल, आप इसको अपने प्रेफरेंस के अनुसार इसको आप लगा सकते हो। सो नेक्स्ट है, इसका एडवांटेजेस क्या है, अभी मैं आपको इसका ANC का फीचर के बारे में बताने वाला हूँ। अगर इसको आप सिंगल प्रेस करके रखेंगे तो पहला ये ट्रांसपेरेंसी मोड में जाएगा। ट्रांसपेरेंसी है कि आपका जो आवाज़ नॉइस है आपके पास उसको एम्पलीफाई करके आपको सुनाएगा वो, आपका जो भी सराउंडिंग नॉइस है वो बहुत अच्छा से सुनाई देगा, जो भी बात कर रहा है वो भी अच्छा से सुनाई देगा। ये आप यूज़ कर सकते हैं उस समय में। और आपको फिर से इसको लॉन्ग टैप करेंगे तो ये फिर नॉइस कैंसिलेशन मोड में चल जाएगा, वो ये ANC। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है इसमें, आप जो भी बात कर रहे हैं एक थोड़ा सा 25% म्यूज़िक में ही आप दूसरे का बात सुनाई नहीं देगा आपको, इतना अच्छा ANC है। और इधर जो IR सेंसर दिया है ये क्यों है, क्योंकि आप जब इसको पहनते हैं तभी ये ऑन होगा, वो आप नहीं पहनते तो ऑन नहीं होगा, कि ऑफ स्टेट में ही रहेगा। बैटरी कंजर्वेशन भी है, बैटरी आराम से मेरे को ये पॉड्स के साथ, पॉड्स का फुल चार्ज के साथ 24 आवर्स चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं हेवी यूज़र हूँ, हर बार लगा के ही रखता हूँ। हाँ, पॉड्स उनके सिंगल में 4 आवर्स का बैटरी लाइफ देता है, और बहुत फेक्स आता है, इसीलिए जो भी है बाहर से खरीदने से अमेज़ॉन से खरीदना बेस्ट है। और जो भी है फेक्स के बारे में कैसे आइडेंटिफाई करना है वो एक और वीडियो में बताएंगे हम लोग। अभी के लिए इसका एक और फीचर है कि ये GPS ट्रैक्ट है, आप अपने आईफोन में फाइंड माई ऐप से इसको डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हैं। उसमें एक ऑप्शन है कि इसको फाइंड करने के लिए इसमें रिंग करेगा, आप इसको अलग से रख के
ऐसे चल गए। सो इसको फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये रिंग होगा आपके फ़ोन से दबाने से। और ऐसा ही है कि इस दोनों को आपके पास है और केस आपके पास नहीं है। फाइंड माई ऐप से इसको आप सेपरेटली रिंग कर सकते हैं। इसको भी फाइंड कर सकते हैं। जो भी इसमें है अलग अलग डिवाइसेस रिकग्नाइज होता है और अलग अलग से आपको फाइंड माई मिलता है। ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है इसमें। और वाटर रेसिस्टेंट ये नहीं है और ये लाइटनिंग केबल का है। ये लाइटनिंग का है बट अभी जो आ रहा है वो यूएसबी टाइप सी का है। मैं रिकमेंड करूँगा कि यूएसबी टाइप सी वाला खरीदें क्योंकि उसमें चार्जिंग फास्ट होता है। और आप जो भी है अभी अभी आईफोन 15 भी यूएसबी टाइप सी का है। उसके कंपैटिबिलिटी के अनुसार आप यूएसबी टाइप सी जा सकते हो। यही है।